दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। रोजाना ओट्स खाने से देखिए शरीर में क्या हुआ। क्या ओट्स खाने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपके डाइट में किया जाने वाला सिर्फ एक बदलाव आपकी जिंदगी के 5 साल बढ़ा सकता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि खाना एक ऐसी चीज है जिसे खाए बिना जिंदा रहना नामुमकिन है। वैसे तो जब बात हेल्दी फूड ऑप्शंस की आती है तो हमारे सामने चीजों की लाइन लगी हुई है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे आपने बहुत से लोगों को अपने डाइट में शामिल करते हुए देखा होगा, वो है ओट्स, जिसके फायदे गिनाते हुए डॉक्टर थकते नहीं है। आखिर क्या है ओट्स में और क्या है वो जो हमें रोज खाने लगे इसे? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आजकल के जितने भी फैंसी लोग हैं वो आपको ये बताएंगे नाश्ते में वो दूध और ओट्स खाते हैं, जिसे सुनकर आपको लगता होगा अरे यार इसमें तो खूब सारे फायदे होंगे, तभी तो ये पढ़े लिखे लोग ओट्स खाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ ओट्स फायदेमंद होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ओट्स में ग्लूटेन की मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन दोस्तों इसे भी खेतों में गेहूं और जौ के साथ ही उगाया जाता है, जिसे हम आम भाषा में जई कहते हैं। बाजार में मिलने वाले ओट्स में आर्टिफिशियल शुगर मिला हो सकता है, क्योंकि ओट्स कई तरह की आती है, जिनमें शुगर मिक्स ओट्स भी आती हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर की तरह काम करती है। इसलिए शुगर मिक्स वाली ओट्स तो कभी भी डायबिटीज पर्सन को नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो ओट्स अपने हाई फाइबर के लिए मशहूर होता है, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होते हैं जो पेट को साफ करने में मदद करते हैं। लेकिन आप अगर इनका सेवन रोजाना करने लगे तो आपकी आंखों और पाचन तंत्र में काफी भारी नुकसान पहुंच सकता है, और मुश्किल तो तब आती है जब लोग जल्दी जल्दी इसे ठीक तरह से नहीं पकाते, क्योंकि अगर आप ओट्स को सही तरीके से नहीं पकाएंगे तो ये आपकी आंतों में ब्लॉकेज पैदा कर देगा, जिसकी वजह से पेट से संबंधित समस्याएं होना आम बात है। और जो ओवरनाइट ओट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें पानी में भिगोकर रख दिया जाता है और फिर बिना पकाए खा लेते हैं, तो दोस्तों इससे समस्या पैदा हो सकती है, ऐसा भूलकर भी मत करना। अगर आप ओट्स खा रहे हैं तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से पका हो, वरना फायदा तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान ही नुकसान झेलने पड़ जाएंगे। वैसे तो मार्केट में कई प्रकार के ओट्स पाए जाते हैं, लेकिन कम पोषक तत्वों वाले ओट्स को खाने से नींद की समस्या, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, एंजाइटी, थकान, माइग्रेन की दिक्कत, मोतियाबिंद और नाखून वगैरह का न बढ़ना जैसी तमाम समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। और ये सब अधिक मात्रा में ओट्स खाने की वजह से ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि भैया हम तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, हम रोज ओट्स खाते हैं जो हमारी सेहत को बढ़िया बनाए रखता है, तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि रोजाना भारी मात्रा में ओट्स खाने से आपकी सेहत बढ़िया बनी रहेगी, और उल्टा अगर आप ज्यादा मात्रा में उसे खाएंगे तो ये आपके वजन को कम करने के बजाय उसे बढ़ाने लगेगा, क्योंकि ओट्स के अंदर कैलोरी ज्यादा होती है जो वजन को बढ़ाना शुरू कर देती है। दोस्तों होता क्या है कि लोग यूट्यूब वगैरह पर फिटनेस की वीडियो देख लेते हैं और उन्हें लगता है यूट्यूब पर बता दिया गया है कि ओट्स खाना फायदेमंद है, तो वो उसे खाना शुरू कर देते हैं और ऐसे दबा कर खाते हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते, और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे कि ओट्स फायदेमंद नहीं है, बल्कि हम तो अभी आपको इसके फायदे भी बताएंगे, लेकिन हमने ओट्स के नुकसान को इसलिए पहले बताया क्योंकि आधे लोग तो वीडियो को आधी देखकर ही 9-2-11 हो जाते हैं और फिर वो गलत जानकारी लेकर फटाफट और ज्यादा ओट्स खाना शुरू कर देंगे, जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है, और हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो कि ओट्स खाना अच्छी बात है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए और इसे अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए, और अगर कोशिश करे तो बाजार के आर्टिफिशियल पैकेट वाले जो फैंसी ओट्स मिलते हैं ना, उसे ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसके फायदे तो हैं जिसको हम नकार ही नहीं सकते। और ओट्स के फायदे कुछ इस प्रकार है, और अगर आप नियमित रूप से ओट्स को खाते हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उनके लिए बढ़िया साबित होता है, और जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है वो भी अगर ओट्स खाते हैं तो उनका डायबिटीज तो मेंटेन रहेगा, साथ ही उनके शरीर में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर पहुंचेगा जो उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ बस याद रखें, उसको चीनी के साथ मत खाएं, वरना फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचने लगेगा। और जो लोग दिल से जुड़ी समस्या यानी हृदय रोग से परेशान है, वो भी ओट्स को खा सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पेट न साफ करने की दिक्कत होती है,
अब इस तरह के लोग अधिक मात्रा में फाइबर वाली चीजें खाकर अपने पेट को साफ कर सकते हैं। हालांकि रोटी में तो फाइबर होता ही है, लेकिन ओट्स में बहुत ही बढ़िया मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए ओट्स जरूर खाना चाहिए। बाकी अगर आप नियमित मात्रा में ओट्स खाते हैं तो आपकी त्वचा चमकने लगती है। यहाँ तक कि पूरे डाइट प्लान के साथ ओट्स खाने पर वजन भी कम होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ओट्स खा लेते हैं तो इससे भले ही आपके शरीर में अच्छी खासी कैलोरीज चली जाती है, लेकिन थोड़े समय तक आपका पेट भरा भरा लगता है, जिससे आपको भूख कम लगती है, और भूख कम लगेगी तो जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं खाएंगे, इससे वजन पर असर पड़ेगा। हालांकि ये तनाव में भी काफी असर कारक होता है, पर हम आपको फिर से यही कहेंगे कि किसी भी चीज के लाख फायदे क्यों ना हो, अगर आप उस चीज को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उसके फायदे आपके लिए नुकसान करने लगेंगे, क्योंकि हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है। और ओट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जिसे आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हैं, जो आपके शरीर को फायदा भी पहुंचाएगा और आपकी बॉडी सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहेगी। लेकिन अगर आप रोज ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो दिक्कत पैदा हो सकती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी काफी मदद की होगी। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।